सो वेलकम ऑल ऑफ यू AMMATHS ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। कैनोनिकल फॉर्म का आज ये टॉपिक है हमारा। इससे पहले हम हाइपरबोलिक और पैराबोला के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम इलिप्टिक, जब कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इलिप्टिक हो, उसका क्लासिफिकेशन, तो उसको हम कैनोनिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस पर हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक। अगर आप इससे पहले, अगर आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस होता है, सो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को दबा देंगे जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग एन इलिप्टिक इक्वेशन इट्स कैनोनिकल फॉर्म इज हियर। तो अब एक इक्वेशन की ज़रूरत होगी, तो हम एक इक्वेशन मान ले रहे हैं RR प्लस SS प्लस TT और PFXYZ PQ इक्वल टू 1। ये हो गया बी एन इलिप्टिक इफ एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0। ठीक है, इलिप्टिक होता है तो हम एस स्क्वायर माइनस 4RT क्या होता है आपका 0 होता है। तो लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी, और इसका जनरल सॉल्यूशन, हमारा जनरल सॉल्यूशन ये हो गया आपका एस और समथिंग। तो ये कह रहा है कि अगर ये लेस देन 0 है तो हमें रूट्स कैसा मिलेगा, इमेजिनरी रूट्स मिल जाएगा। जैसे इमेजिनरी रूट्स मिल जाएगा तो हम आगे के प्रोसीजर को अब फाइंड आउट करने में यहाँ पे वर्क कर लेंगे, सिंपल सा। तो हम मान लेंगे ये दो कॉन्जुगेट इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स रूट्स जो हमारे हैं लैम्डा और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही रहेगा। तो करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम राइट अप करते हैं, DYDS प्लस लैम्डा 1 और DYDS प्लस लैम्डा 2, ये दोनों हो जाएंगे, और इसके इनको सॉल्व करेंगे, इनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने पर इस तरह से मिलेगा और ये इस तरह से मिलेगा, कॉन्जुगेट होंगे सिर्फ UNV, तो UNV हमने यहाँ पे मान लिया। अब जैसे UNV कंसिडर कर लिया आपने, तो अब देखिए यहाँ पर अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा, हमें इसको नोट डाउन करके आप यहाँ पे रख लीजिए, ये आपको हमेशा मानना है। और यहाँ से अल्फ़ा बीटा को फाइंड आउट करना है, अल्फ़ा बीटा जैसे फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद इक्वेशन नंबर 4 का यूज करके फाइंड द RST इन टर्म ऑफ अल्फ़ा बीटा, हमें RST को किसने फाइंड करना है, इन टर्म ऑफ अल्फ़ा बीटा, एंड पुटिंग इक्वेशन 1 वी गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। तो इस टर्म में हमें जो इक्वेशन दिया होगा उस तरह से इसको हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन को करते हैं, दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, RY² T होगा यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास। तो बस अब वर्कआउट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम पहले क्वेश्चन पे सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, सिंपल जो फर्स्ट है। तो R प्लस X² T इक्वल टू 0, अब इसका जो है ना कंपेयर करना है, कंपेयरिंग किससे करेंगे, RR प्लस SS प्लस TT प्लस FXYZ PQ इक्वल टू 0, इससे हमें इसको कंपेयर कर देना है। तो कंपेयर करके हम कैपिटल R की वैल्यू 1, कैपिटल S 0, और कैपिटल T हमारा X² हो जाएगा। तो अब हम डिसाइड करेंगे S² माइनस 4RT, फाइंड आउट करिए S² माइनस 4RT 0 माइनस 1 इंटू X², ठीक है, 4, तो माइनस 4X² विच इज लेस देन 0, इट मीन्स ये इलिप्टिक। तो ये हमें डिसाइड हमने कर लिया कि ये क्या आपका है, इलिप्टिक है। अब जैसे इलिप्टिक आपको डिसाइड हो गया, आगे का वर्कआउट आसानी से कर पाएंगे। तो अब लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखेंगे और हम क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे। तो लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हो जाएगा, लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमारा क्या होता है, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0। तो आर इज़ व्हाट, आर क्या है हमारे 1, तो मतलब यहाँ पे हो गया लैम्डा स्क्वायर 0 हो गया, और यहाँ पे एक्स कितना हो गया आपका, टी है आपका X², ठीक है, X² इक्वल टू 0, इम्प्लाइड दैट लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू माइनस X² या लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस IX मिल जाएगा, ये लैम्डा की वैल्यू। तो ये लैम्डा की वैल्यू हमें प्लस माइनस IX मिल जाएगा। बस अब इसको आगे, अब इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को राइट करना होगा,
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, वाई डस प्लस लैमडा वन इक्वल टू ज़ीरो, वाई डस प्लस लैमडा टू इक्वल टू ज़ीरो, ये मिल जाएगा। तो वाई डस का मतलब हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस आई एक्स इक्वल टू ज़ीरो, इधर क्या होगा आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस सॉरी माइनस आई एक्स इक्वल टू ज़ीरो, सिंपल। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो डी वाई प्लस आई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसको सॉल्व करेंगे तो डी वाई माइनस आई एक्स डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग कर देंगे तो वाई प्लस आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी वन, ये मिल जाएगा हमें, नहीं आई एक्स स्क्वायर बाई टू, सॉरी आई एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, आई एक्स स्क्वायर बाई टू मिल जाएगा, वाई प्लस इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे क्या मिलेगा वाई माइनस आई एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी टू। तो अब यू एंड वी हमें यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया, यू हमारा क्या है वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू आई, वी हमारा क्या है वाई माइनस आई एक्स स्क्वायर बाई टू। अब इससे हम कंपेयर करके अल्फ़ा बीटा को निकाल लेंगे, सिंपल से ये अल्फ़ा और बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम अगर u इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस आई बीटा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू वाई एंड बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई टू, ये दो वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट हो गई। अब जो आगे का वर्कआउट है, ये जब सबसे पहला काम है वैल्यू को फाइंड करना, ये हमने फाइंड कर लिया, अब आगे के जो पॉइंट है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब z जो है फंक्शन किसका हो गया अल्फ़ा बीटा का, और अल्फ़ा बीटा फंक्शन किसका है एक्स वाई का, और हमें फाइंड आउट क्या करना है डेल z अपॉन डेल x, इसको क्रॉस करके जाना है, यहाँ से यहाँ तक आना है, तो क्या होगा इसका पार्शियल डेरिवेटिव के साथ और इसके साथ आ जाएगा, मतलब यहाँ पे डेल z अपॉन डेल अल्फ़ा अपॉन डेल x प्लस डेल z अपॉन डेल बीटा और डेल बीटा अपॉन डेल x, ये मिल जाएगा, सिंपल। तो अब इसको सिंप्लीफाई करिए, तो डेल अल्फ़ा अपॉन डेल x, तो डेल अल्फ़ा अपॉन डेल x कहाँ से निकलेगा, यहाँ पे अल्फ़ा तो है नहीं, अल्फ़ा इज इक्वल टू y है, तो डेल अल्फ़ा अपॉन डेल x की वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो, डेल अल्फ़ा अपॉन डेल y की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन, और बीटा आपका है वाई स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर बाई टू, तो डेल बीटा अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और डेल बीटा अपॉन डेल वाई कितना हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल डेल अल्फ़ा अपॉन डेल एक्स, डेल अल्फ़ा अपॉन डेल एक्स ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो गया, प्लस डेल बीटा अपॉन डेल एक्स कितना है डेल बीटा अपॉन डेल एक्स एक्स है, एक्स डेल जेड अपॉन डेल बीटा, ये मिल गया डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, ठीक है, एक्स डेल जेड अपॉन डेल बीटा, मतलब हमने जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स है वो क्या निकाल लिया एक्स डेल जेड अपॉन डेल बीटा, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट हो गया। तो ये मान लीजिए आपका इक्वेशन हमने अगर कोई बनाया है तो ठीक है, नहीं है वन ठीक है कोई बात नहीं, नहीं बनाया तो अब यहाँ से हम बना लेते हैं, टू बन लेते हैं, वन तो ऑलरेडी बना हुआ है। अब नेक्स्ट जो होगा हमारा डेल जेड डेल वाई, ठीक, तो फिर से वही काम डेल जेड अपॉन डेल अल्फा इंटू डेल अल्फा अपॉन डेल वाई, ठीक, डेल जेड अपॉन डेल बीटा इंटू डेल बीटा अपॉन डेल वाई। तो देखिए डेल जेड अपॉन डेल अल्फा अपॉन डेल वाई, डेल अल्फा अपॉन डेल वाई कितना है वन है, यहाँ से क्या मिलेगा डेल जेड अपॉन डेल अल्फा, डेल बीटा अपॉन डेल वाई कितना है ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो मिल गया, तो हमें मिल गया डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल अल्फा, ये हमें फाइंड आउट हो गया। अब आगे जो है हमें अब आर एस टी की बात करनी है, आर एस टी जो हमारा है, हम आर और एस टी की बात करेंगे, आर क्या हमारा है और एस एस तो है नहीं, टी की ज़रूरत है, तो आर डेल बाई डेल एक्स
डेल z अपॉन डेल x ये वैल्यू है, तो बस अब यहाँ पर रख देना है डेल बाई डेल एक्स, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की है x डेल जेड अपॉन डेल बीटा। तो अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड अप्लाई कर दीजिए x डेल बाई डेल एक्स और यहाँ पे आपका डेल जेड अपॉन डेल बीटा प्लस, ठीक है, डेल जेड अपॉन डेल बीटा और x का कर देंगे तो वन हो जाएगा, सिंपल डेल बाई डेल x इंटू एक्स। तो डेल z अपॉन डेल बीटा, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करना होगा क्योंकि बीटा के रिस्पेक्ट में यहाँ पे चाहिए हमें, तभी हम इसको कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम हो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल बीटा अपॉन डेल x और ये वन हो गया और यहाँ पे मिल गया हमें डेल z अपॉन डेल बीटा मिल गया। डेल बीटा अपॉन डेल एक्स आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, डेल बीटा अपॉन डेल एक्स क्या है, एक्स है और ये कितना हो जाएगा एक्स, तो मिल करके हमारा क्या मिल गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, मिल गया हमें एक्स स्क्वायर, ठीक, डेल टू जेड डेल एक्स स्क्वायर, सॉरी डेल जेड बीटा, यहाँ पे एक्स नहीं है ये बीटा है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका बीटा स्क्वायर हो जाएगा। एक भी गलतियाँ अगर करेंगे सही से तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो सभी बारीक से इसको करिएगा, डेल टू जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर और अपॉन डेल जेड अपॉन डेल बीटा, ये किसकी वैल्यू होगी आर की, ठीक है, आर की निकल गई। अब इसी तरह हमें क्या निकालना है, टी को निकालना है, तो आइए टी को भी निकाल लेते हैं, यहीं पर निकालते हैं, आर एस नहीं है, मेरे पे टी चाहिए, तो टी हमारा क्या है डेल बाई डेल वाई और यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो अब देखिए डेल डेल वाई आपको पता है सीसीआर क्या है आपका, कुछ नहीं है, इसको ऐसा रहने दीजिए, डेल जेड डेल वाई क्या है, डेल जेड अपॉन डेल अल्फा है, तो डेल डेल अल्फा डेल जेड डेल अल्फा और इनटू डेल अल्फा अपॉन डेल वाई, ठीक। तो डेल अल्फा अपॉन डेल वाई आपको पता है क्या है हमारा, ये आपका होगा डेल अल्फा अपॉन डेल वाई, तो वन है वो, डेल अल्फा अपॉन डेल वाई हमने निकाला है, देखिए ये वन है ना यहाँ पे, तो वन है बस, अब इसको यहाँ पे रख देना है सिंपल, ये थोड़ा सा टाइम क्वेश्चन बड़ा है बट इम्पॉर्टेंट है, और ये वन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मिल गया हमें डेल टू जेड अपॉन डेल अल्फा स्क्वायर, ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई आर एस टी की वैल्यू हो गई, ठीक, ये टी की वैल्यू हो गई हमारे पास। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है कि आर प्लस एक्स स्क्वायर टी इक्वल टू जीरो है, बस अब इसी में हमको क्या करना है, इसको रख देना है, सब्सटीट्यूट कर देना है वैल्यू को, पुट कर दीजिए वैल्यू को, आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर डेल टू जेड डेल बीटा स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल बीटा प्लस एक्स स्क्वायर डेल टू जेड डेल अल्फा स्क्वायर, ठीक है, डेल अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन भी है इसमें, एक्स स्क्वायर चाहे तो आप कॉमन कर सकते हो इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन करते हैं तो इसमें क्या मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन, तो इन दोनों में तो डेल टू किस में, इसमें इसमें एक्स डेल टू जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले आते हैं माइनस, तो माइनस डेल जेड अपॉन डेल बीटा, ठीक है, बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये देखिए डेल टू जेड डेल अल्फा स्क्वायर प्लस डेल टू जेड डेल बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस कर लीजिए और डेल जेड अपॉन डेल बीटा, और ये वैल्यू आपको पता है एक्स स्क्वायर जो हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, बीटा इज इक्वल टू आपको मिला हुआ है एक्स स्क्वायर बाई टू, इसी का यूज कर लीजिए तो टू बीटा यहाँ पे आ जाएगा सिंपल, तो मतलब डेल टू जेड अपॉन डेल अल्फा स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर और यहाँ पे लिख देंगे माइनस वन अपॉन टू बीटा डेल जेड अपॉन डेल बीटा, यही आपका आंसर हो जाएगा
इसके अकॉर्डिंग। तो हमारा कैनोनिकल फॉर्म जब इलिप्टिक होगा तो ये टोटल प्रोसीजर है माय डियर फ्रेंड कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे करें। तो एक एक बेसिक क्वेश्चन था जिसको हमने यहाँ पे कर लिया। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।